बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनाबुदुयकनस्ताईन अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं मौजरात और आप देख रहे हैं एग्जाम पर। अच्छा, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है। और वो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक क्या है? वो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक ये है कि हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड जनरेट आइडियाज। आप बहुत दफ़ा ये सुनते हो और आपके बहुत ज़्यादा ये सवाल भी आते हैं पाकिस्तान पर से कि सर, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना क्या होता है? हमने बहुत दफ़ा सुना है आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। सो आई थॉट कि आप लोगों के लिए इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीन लेक्चर बनाया जाए, ठीक है। और दिन मैंने अपनी बर्थडे के इसलिए चुना है, जब ये लेक्चर आप देख रहे होंगे पहली दफ़ा, इस लेक्चर को 15 अप्रैल पे यू नो एयर किया जाएगा एंड इट वुड बी माय बर्थडे। और हमारा रिचुअल ये है कि बर्थडे बॉय जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ट्रीट देता है। सो ये पूरे पाकिस्तान के लिए मेरी ट्रीट होगी। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर होगा। ये हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, हाउ टू राइट एनी ऐसे इन जस्ट 20 मिनट्स। 20 मिनट में दुनिया के किसी भी टॉपिक पर किस तरीके कार से ऐसे लिखा जा सकता है। और आप लोगों के जिस तरीके कार से आपने उस लेक्चर को प्यार दिया, और यू नो आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट इंडिया से भी उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि आपको एटलीस्ट यूट्यूब पे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स पे कभी भी इतने क्वालिटी कंटेंट, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के को लेकर कभी भी नहीं मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी। अच्छा, आप लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचा जाए। और हम जिस वक्त कोई टॉपिक देखते हैं तो हमारे माइंड में तो उसको लेकर 100 वर्ड्स भी नहीं आते, तो सर किस तरह फिर हम उस पर 2000 से 2500 वर्ड्स लिखें, ठीक है। तो इस पर यह है, पिछले दोनों लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख जाके उन्हें लाजमी देखो। ये ऐसे भी हमने टच कर लिया, ये ऐसे भी हमने देख लिया। आज मैंने सोचा ये कि एक तो आप लोग फिलोसॉफिकल एसेज पे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि कैसे लिखे जाते हैं, उसके रिगार्डिंग बड़ी कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेज इस किस्म के होते हैं कि उनपे बंदे को आइडियाज बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है। एक तो मैंने इसलिए फिलोसॉफिकल ऐसे कोर्स चुना, दूसरा ये कि हम लोग जो टेक्निक सीख रहे हैं, मैं चाहता था कि आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिलोसॉफिकल ऐसे पर लगा के बता दी जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो बात है कि किसी भी ऐसे को 20 मिनट में लिखा जा सकता है इस टेक्निक को यूज करके, तो ये बात जस्टिफाई भी हो जाए, ठीक है। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे, ये टॉपिक जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर आज देखेंगे, वो टॉपिक क्या होगा जी? वो होगा होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है जी, द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। अच्छा जी, अब जी ये हमारे पास टॉपिक आ गया। जब हमारे पास टॉपिक आ जाता है तो सबसे पहले हमें मसला ये आता है कि हमें ये नहीं पता कि ब्रेनस्टॉर्म करते कैसे हैं। 70% एस्पायरेंट जो है वो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते ही नहीं है, और यही हम लोगों के ऐसे में फेल होने की वजह बस, बट इस चीज को बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हम अभी देखने लगे हैं कि हम किस तरीके कार से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम आइडियाज जनरेट किस तरह करेंगे। आपका ये मसला हल खत्म हो जाएगा जी कि मुझे तो 2000 से 2500 वर्ड्स में कैसे सोचूं, मुझे तो 100 वर्ड भी सोचना नहीं आते, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप आइडियाज कैसे सोचोगे, बट आइडियाज सोचना ही सब कुछ नहीं होता, फिर उन आइडियाज को कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रेजेस के अंदर, ठीक है। जब आप आउटलाइन डिवेलप करते हो या फ्रेजेस में करते हो या सेंटेंसेस में करते हो, यही बात है ना, जब आउटलाइन बनाते हो तो उसमें जब अपनी मेन हेडिंग्स दे देते हो, इंट्रोडक्शन की या वो जो मेन सारी हेडिंग्स हैं उनके नीचे जब आप सब पॉइंट्स देते हो या फ्रेजेस में देते हो या सेंटेंसेस में देते हो, मतलब ये हुआ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग ने जो आइडिया जनरेट किए उनकी फ्रेजेस किस तरह बनानी है, जो दिमाग में सोच रहे हो उसको सफे पर किस तरह उतारना है, ठीक है। और सफे पर उतारने में जो सबसे अहम किरदार अदा करती है जो चीज, वो होती है आपकी वोकैबुलरी, ठीक है। आप अक्सर इस चीज से परेशान हो जाते हो कि यार जिस वक्त हम सोचने लगते हैं कि आइडियाज को सफे पे कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो हमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है सर कि हमारे पास वोकैबुलरी ही नहीं होती प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एसे का, एक तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से किस तरह हमें स्ट्रक्चर पता चलेगा, और दूसरा उस स्ट्रक्चर का थीसिस स्टेटमेंट के साथ क्या तल्लुक होता है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट को किस तरह स्ट्रक्चर के मुताबिक डिजाइन किया जाता है, और उसके बाद हम ये एक सरप्राइज फैक्टर भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जी ब्रेनस्टॉर्मिंग पर। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि बिल्कुल एक आसान सी एक्सरसाइज है, बस सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, यही बात है जी। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया कि किसी भी वो पेज आगे मेरे पास है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिवेलप किया था, ठीक है। आपने ये लेक्चर नहीं देखा आप जाके देख लो। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको बताया तीन ढांचों के गिर्द होती है, ठीक है, तीन ढांचों के गिर्द ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। नंबर वन इज डोमेस्टिक लेवल, नंबर टू इज रीजनल लेवल, नंबर थ्री इज इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। यहां तक तो बात आपको समझ आ गई। अब देखो
हमारा टॉपिक किस नोयत का है, ज्यादातर टॉपिक पे तो ये तीनों चीजें अप्लाई हो जाती हैं, बट जिस वक्त बात आ जाती है फिलोसॉफिकल ऐसे की, फिर आपको जरा गौर से इन चीजों को देखना पड़ता है। अब देखो इस ऐसे में इंटरनेशनल लेवल एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते, देखो इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज हैं, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल जो इशूज हैं, ट्रांसनेशनल टेररिज्म, इन पे हम होप के रिगार्डिंग या तो नहीं लिख सकते या तो बहुत कम लिख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस पार्ट, नाउ कम टू दैट पार्ट। वंस वी एनालाइज दिस पार्ट देन वी रियलाइज that this part can also not be included in the exercise of brainstorming. So this part is also excluded. Why? Dekho, neighboring countries, regional organization, trade, conflicts, cultural exchange. I don't think that we can, integrate the topic of hope into these jargons. So we are going to eliminate that. So हमारे पास फिर ये एक बड़ा narrow सा scope रह जाएगा जिसके अंदर हमने खेलना है, ठीक है? So today हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों की ये जो सारी बात होगी आज वो होगी जी डोमेस्टिक लेवल एनालिसिस। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम करेंगे डोमेस्टिक लेवल एनालिसिस, ठीक है? अब डोमेस्टिक में मैंने आपको बताया बुनियादी तौर पे ये दो चीजें होती हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल, ठीक है? कम्युनिटी लेवल पे फिर हम इंस्टीट्यूशंस को बड़े गौर से देखते हैं। ये चीज जाके आप वहां पे देख लो, आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा ये हमने किस तरह इन चीजों को इंक्लूड किया, ये हम कहां से लेकर आए, आप अपने लिए ये चीजें किस तरह तैयार कर सकते हो। हर बंदा अपनी नॉलेज के मुताबिक इन चीजों को तैयार कर सकता है, ये तैयार करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मैं कभी भी रटे को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, अब डोमेस्टिक लेवल में हम लोग देखेंगे जी इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल को, ठीक है? इनको फिर मैंने मजीद एक्सप्लेन कर दिया था इन चीजों में, वो आप इन पे देख सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको बड़ा जबरदस्त तरीका बताने लगा हूँ सोचने का, ठीक है? अभी हम बैठे बैठे यहाँ पे आप देखोगे कि 10-15-20 मिनट में अपनी आउटलाइन अपने ऐसे सारा डेवलप कर लेंगे। अच्छा, अब देखो, अब सोचो कि इंडिविजुअल लेवल पे जाति एक फर्द के लेवल पे होप क्या क्या आपको क्या फायदा दे सकती है? उम्मीद आपको ये फायदा दे सकती है कि ये आपको मुश्किलात से लड़ने के लिए उम्मीद दे सकती है, ये आपको रेजिलियंस, हाँ रेजिलियंस बड़ा जबरदस्त वर्ड है, रेजिलियंस का मतलब मुझे इसका, मैं इसे इस तरह परसीव करता हूँ, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का, सो रेजिलियंस का मतलब ये है कि ऐसी क्वालिटी इंसान की, या फिर ऐसी स्टेट, क्वालिटी ऑफ होपिंग फॉर द बेस्ट, इंसान हर वक्त ये सोचे कि बस जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है? सो उम्मीद जो है इंसान को रेजिलियंस देती है, रेजिलियंस प्रोवाइड करती है, इंसान की रेजिलियंस बिल्ड करती है, ठीक है? उसकी वजह से होता क्या है, इंसान अपनी मुश्किलात से जो है ना, अपने जो चैलेंजेस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बड़ी खुश उम्मीदी के साथ जो है ना, बड़ी हौसले के साथ उनसे मुकाबला करता है, ठीक है? ये हमारे माइंड में पॉइंट आ गया, वेल एंड गुड। फिर जी, फिर होप और क्या करती है? होप ये करती है, हाँ, होप आपकी दिमागी सेहत को बेहतर बनाती है। कैसे बेहतर बनाती है जी दिमागी सेहत को? उम्मीद आपको स्ट्रेस से निजात देती है, एंजाइटी से निजात देती है, ठीक है? और इस तरीके कार से आपकी दिमागी सेहत अच्छी हो जाती है। जब आपका जब आपका दिमाग अच्छा हो जाता है, फिर आपकी सारी बॉडी पे उसके प्रॉमिसिंग इंपैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी? जबरदस्त। और जी रिस्क क्या करता है? और रिस्क ये करता है जी कि और होप क्या करती है? और होप हमें रिस्क लेने में मदद देती है, ठीक है? तभी मेरे जुबान पे रिस्क ही आ रहा था। अच्छा, होप हमें रिस्क लेने में मदद देती है। देखो, बंदे को जिस वक्त उम्मीद होती है तो वो रिस्क लेता है, ठीक है? और रिस्क लेने से क्या होता है कि क्रिएटिविटी आती है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये जो फेसबुक खड़ी हुई या कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म खत्म हुआ तो खड़ा हुआ, देखो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, या दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बनाने वालों ने एक रिस्क लिया था, ठीक है? और उस रिस्क ने क्या, और उस रिस्क के पीछे वजह क्या थी? एक उम्मीद थी, ठीक है, कि ये खड़ा हो जाएगा, ये कामयाब हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या हुआ? कामयाबी हुई, ठीक है? सो रिस्क टेकिंग से क्या आता है? क्रिएटिविटी आता है। क्रिएटिविटी से क्या होता है? नए आइडियाज आते हैं, ठीक है? अब आप चलो वो बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये भी हो गया जी। और जी और क्या करती है जी होप क्या करती है? और होप ये करती है कि हाँ देखो, अब होप क्या करती है? होप लीडरशिप को एम्पावर करती है। होप क्या करती है? एम्पावर लीडरशिप। लीडरशिप को कैसे एम्पावर करती है? देखो मैं आपको बताऊं ना, ये एक लीडर जो होता है ना, देखो उसका एक विजन होता है कि नहीं होता,
और उसके विजन के पीछे जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स होती है वो उम्मीद होती है। देखो इमरान खान को उम्मीद थी कि मेरा वोटर अभी बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा होगा तो वो मेरे लिए खड़ा होगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। देखो उसे उम्मीद थी कि ये इलेक्शन में जितनी भी रिजिंग हो जाए मैं जीतूंगा, ये उसका विजन था। उसके विजन के पीछे क्या चीज थी, एक उम्मीद थी। ठीक है, उम्मीद एक लीडर को विजन देती है और फिर वो विजन उस लीडर को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना देता है। ठीक है, सो ये देखो फिर उम्मीद किस तरह एम्पावर कर रही है लीडरशिप को, ठीक है, विजन देकर। सो होप जो है लीडरशिप को एम्पावर कर रही है, ये चीज भी हमारे माइंड में आ गई। ठीक है, अच्छा अब जी और होप क्या करती है। अब हमने देखो हमने क्या कहा, अब ये देखो चार पॉइंट्स हो गए हैं इंडिविजुअल लेवल के और मेरे माइंड में आ भी नहीं रहे फॉर द टाइम बीइंग, बड़ा थोड़ा सा वक्त भी मिला है, सो आई थॉट कि जल्दी से आप लोगों के लिए एक लेक्चर जो है ना वो तैयार कर लिया जाए। सो इसलिए कि पुराने ही बस वो चला रहा हूँ और ये मेरे पास पड़े हुए थे पुराने लेक्चर्स के। अब हम कम्युनिटी लेवल पे आ जाते हैं। देखो कम्युनिटी लेवल पे सबसे पहले तो एक चीज वो मैं बहुत सारे एसेज में इस्तेमाल करता हूँ, उम्मीद लोगों को करीब लेकर आती है, ठीक है, और यूनिटी पैदा करती है। और यूनिटी से क्या होता है कि ये जो कलेक्टिव गोल्स होते हैं, ये जो शेयर्ड गोल्स होते हैं कम्युनिटी के, एक कौम के, एक मुल्क के, उनको अचीव करने में मदद देती है ये होप। ठीक है, अचीवमेंट, उन गोल्स की अचीवमेंट में बड़ी मदद देती है ये होप। सेकंड थिंग जो करती है ये होप, ये यू नो ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हाँ इकोनॉमी पे बड़ा अच्छा असर डालती है। देखो हमने यहाँ पे भी बात की रिस्क टेकिंग, जिस वक्त आप रिस्क लेते हो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन हमेशा रिस्क लेता है। ठीक है, बिजनेस में हमेशा रिस्क है, तो ये क्या इकोनॉमी को बेहतर करती है, कैसे बेहतर करती है कि लोगों को उम्मीद देती है, लोगों को कॉन्फिडेंस देती है ये होप कि भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट करो और इंशाल्लाह मुनाफा होगा। ठीक है, लोगों को इन्वेस्ट, और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो इकोनॉमी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और ये किसकी मदद से हो रहा है, ये होप की मदद से हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जी होप क्या करती है कि होप क्या करती है हाँ देखो होप रिश्ते रिश्तों को मजबूत करती है। ठीक है, होप अच्छी अच्छा गुमान रखना, ठीक है, ये रिश्तों को मजबूत करता है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होता है होप से। ठीक है, और यू नो एक सपोर्ट की फिजा कम्युनिटीज में पैदा होती है। ठीक है, दैट्स मोर देन एनफ मेरे ख्याल से आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि फिर हमने आगे और बहुत सी चीजों पे बात करनी है तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। अब देखो यहां तक हमने बात कर ली, ये पॉइंट्स हमने डेवलप कर लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने देख ली हम किस तरह करते हैं, उसमें ये तीन ड्राइविंग फैक्टर्स मेन फैक्टर्स होते हैं, और ये आप देख लो पीछे जाके मैंने इस पे बात की हुई है, इसको किस तरह यूज करना है वो मैंने आपको भी आपको प्रैक्टिकली बता दिया। आइडियाज देखो हमने जनरेट कर लिए कि नहीं कर लिए, अब इन आइडियाज को हाउ टू कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस इन एन आउटलाइन। अब हम देखते हैं कि इन आइडियाज को किस तरीके कार से ये बोलता कि हमारे सामने होना फिर हमें मजा आएगा। ठीक है, एग्जाम के दौरान आप इसी चैप्टर के पीछे यहाँ पे अपने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो और फिर इसी से 2500 वर्ड निकलाते हैं। ठीक है, भले कोई भी ऐसे का स्ट्रक्चर ऐसे 2500 वर्ड निकलाते हैं, अभी मैं आपको बताने भी लगा हूँ और ज्यादा तफसील इसकी मैंने पहले लेक्चर में बताई हुई है। ठीक है, सीरीज का जो पहला है हाउ टू राइट एनी एसे इन जस्ट 20 मिनट्स, तो आप देखो कि आपको बहुत मजा आएगा पूरी दुनिया से, उसका दुनिया से तो क्या एशिया से बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली। अच्छा अब देखो, अब मैं इस चीज को कन्वर्ट करने लगा हूँ, अब हम इस चीज को कन्वर्ट करने लगे हैं इसके अंदर जी आउटलाइन के अंदर। ओके, अब देखो हमारा मेन सवाल क्या है, हमारा मेन सवाल ये है कि होप क्या है, होप क्या है, होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स है। हाँ जी, अब देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या चीज तैयार की, हमने इसमें तैयार किया कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ये देखो 1, 2, 3, 4 ये इसके इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लाइफ। ठीक है, अभी किसी चीज पे वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत सारी चीजें अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इंडिविजुअल लाइफ भी बहुत आई हुई है मुझे यार। अच्छा अब देखो इसके इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, अभी देखो हम अपने आइडियाज को ना कन्वर्ट करने लगे हैं
फ्रेजेस या सेंटेंसेस के अंदर। तो वो जादू किस तरह होता है वो अब हम देखते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, रेजिलियंस देती है और ताकि इंसान जो है अपनी मुश्किलात से खुश उम्मीदी के साथ लड़े, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमिज्म, ठीक है। अच्छा, सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि क्या पैदा करती है जी, होप, होप प्रोड्यूस बल्कि बिल्ड्स रेजिलियंस, ठीक है जी। रेजिलियंस क्या वो किस चीज में मदद देती है, वो मदद देती है हेल्पिंग चैलेंजेस, हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल फाइट चैलेंजेस, बल्कि ओवरकम चैलेंजेस को ओवरकम किया जाता है या फिर सब ड्यू किया जाता है। ये दो वर्ड्स हम लोग चैलेंजेस के साथ यूज करते हैं। चैलेंजेस क्या, खुश उम्मीदी के साथ, विद ऑप्टिमिज्म, ठीक है, विद ऑप्टिमिज्म। अच्छा, अब जिस वक्त आप, अब मैं बड़ी एक मेन बात बताने लगूं, जब आप अपना पहला सब हेडर बना लेते, ये तो आपकी मेन हेडिंग आ गई, जब सब पॉइंट पहला बनाते हो ना, उस सब पॉइंट ने डिसाइड कर देना है कि अब आप अपनी आउटलाइन का यू नो स्ट्रक्चर क्या रखोगे। स्ट्रक्चर इन अ सेंस कि अब आप फ्रेजेस में बात करोगे या सेंटेंसेस में बात करोगे, ठीक है। अब देखो हमारा यहां से डिसाइड हो गया कि अब हम भाई ये साउथ लाइन में सेंटेंसेस में बात करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर इसमें लिखना चाहिए कि इसमें, इसमें लिखना भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी लिखना बिल्कुल ठीक है, मगर जब सेंटेंसेस में आ गए हो तो फिर सेंटेंस में ही रहना। ये ना हो कि पहला सेंटेंस फिर दूसरा फ्रेज फिर तीसरा सेंटेंस, नहीं, सेंटेंसेस में हो तो सेंटेंस में रहना, और इसमें भी अगर कंपाउंड में हो तो कंपाउंड में रहना, कॉम्प्लेक्स में हो तो कॉम्प्लेक्स में रहना। अब ये देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है जी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अब ये देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई, ये इसकी डिपेंडेंट क्लॉज आ गई, और डिपेंडेंट में भी ये कौन सी आ गई, ये आ गई डिपेंडेंट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल क्लॉज आ गई, ठीक है। और क्या काम कर रही है जी, ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। बिल्ड किस तरह बिल्ड करता है जी, के लोगों को फिर हेल्प करता है, यू नो एडवर्बियल है। अच्छा चलो ये बातें, हाँ इसे ये है कि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जी के, देखो आपको प्रैक्टिकल ग्रामर आनी चाहिए, आपको ये तो पता होता है जी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ये कंपाउंड क्या है, चलो उसकी डेफिनेशन आपको पता होती है, बट जब आपको कहा जाता है जी कि आउटलाइन बनाओ, आउटलाइन में आप अपने आइडियाज को कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली नहीं सीखी हुई। अभी आप जाके किसी भी जगह ब्रेनस्टॉर्मिंग सर्च करोगे आपको उस पर बहुत चीजें मिलेंगी, आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। अभी देखो मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाई, इस तरह आपको समझ आ गई, ठीक है। सो इसी तरह ग्रामर भी बंदे को सीखनी होती है, इस तरह के वो फिर उसको प्रैक्टिकली यूज कर सके। हमारे तालीमी निजाम में इशू ये है, जिन इतारों से हमने पढ़ा, हमने कोई रूट से नहीं पढ़ा, ए लेवल ओ लेवल नहीं किया, हमारा इशू ये था कि हमें जो चीजें बताई गई उनका प्रैक्टिकल जिंदगी के साथ कोई तल्लक भी नहीं था। अगर था भी तो इस तरीके का से समझाई नहीं गई कि उन्हें हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते। सो फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम पैन, आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर ग्रामर पे जो है आप कुछ करें कुछ करें कुछ करें, तो उस पर यार मैं 70-80 घंटे की वीडियोस तो अपलोड नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई हैव डिसाइडेड कि 40 दिन की आप लोगों की एक वर्कशॉप कंडक्ट की जाए, ठीक है, और उसमें एक तो ग्रामर होगी और एक साथ सरप्राइज है छोटा सा, वो आप देख लेंगे क्या है। 5 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 40 दिन की वर्कशॉप है, उसमें हमारे लेक्चर्स 1 घंटे के भी होते हैं, 2 के भी होते हैं। सो 70-80 घंटे की वीडियोस अपलोड करना, फिर उनकी एडिटिंग करना, डिस्क्रिप्शन लिखना, फिर उन्हें अपलोड करना। पिछले 9 महीने में मैंने सिर्फ अपने चैनल पे 35 वीडियोस अपलोड की हैं, तो इतनी वीडियोस अपलोड करने के लिए आपको पता है 1.5-2 साल का खर्चा चाहिए, तो इतना टाइम मे भी यू नो नहीं दे सकता था। तो आई थॉट कि चलो एक वर्कशॉप की सूरत में आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर कर दिया जाए। सो एनीवन हु वांट टू ज्वाइन 5 मई से पहले आप आ सकते हो। अच्छा बात ये है, सेंटेंसेस में रहोगे तो जिस सेंटेंस में भी कंपाउंड में उतर रहे हो या कॉम्प्लेक्स में उतर रहे हो, जिसमें भी उतर रहे हो फिर उसी में उतरते रहोगे, जिस रंग में उतर रहे हो, पान में उतर रहे हो तो फिर पान में ही रहोगे, ठीक है। फ्रेजेस में उतर रहे हो तो भले नाउन फ्रेज में उतर रहे हो तो फिर नाउन में रहोगे, जेरंड में उतर रहे हो तो फिर जेरंड में रहोगे। बात यह है, ये गलत नहीं है कि फ्रेजेस में कोई उतर जाए तो ओके सेंटेंस गलत है, सेंटेंस में उतरे तो दोनों ठीक है, बट जिसमें उतरते हो फिर कंसिस्टेंसी रखना, ये ना होगा कभी इधर कभी उधर, एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि तुम्हारी कोई ग्रिप ही नहीं है तुम्हारी ग्रामर के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ जी, ये आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती है, और उससे फिर क्या होता है कि आपकी ये चीजें खत्म हो जाती हैं। सो हम क्या कहेंगे, फिर एक और बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा, जरा सा दंदों के नीचे गीटी रखना, होप इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, होप इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, उस क्या चीज पर काम करता है जी, ये रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और जब ये स्ट्रेस खत्म होता है तो क्या आता है जी, एंजाइटी नहीं लिखते बस ज्यादा लंबा हो जाएगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड क्रिएटिंग
बल्कि क्रिएटिंग नहीं, प्रोमोटिंग हैप्पीनेस। ठीक है जी, देखो कितने प्यारे सेंटेंसेस बन रहे हैं, कितनी आसान वोकैबुलरी हम यूज कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको भी ये जो वोकैबुलरी वाली बात पे आता हूँ ना, फिर सीक्रेट बताता हूँ। रिस्क टेकिंग सीक्रेटिविटी उसे आइडियाज, अच्छा उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि होप स्पार्क्स क्रिएटिविटी। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये ओवरकम या सबड्यू यूज करते हैं चैलेंजेस के साथ, उसी तरह मुझे पता है मेरी रीडिंग कितनी है, मुझे पता है मैं जितनी क्रिएटिविटी पढ़ता हूँ उसे बढ़ाने की बात होती है, स्पार्क वाला लफ्ज आता है। जैसे देखो जब भी इकोनॉमी की बात आती है ना, उसके साथ आता होता है बूस्ट इकोनॉमी। ठीक है, उसे क्रिएटिविटी के साथ आता है स्पार्क क्रिएटिविटी, होप स्पार्क्स क्रिएटिविटी। एंड अब ये नहीं है कि मैं बहुत लाइक हूं तो मेरी ये वोकैबुलरी है, इसीलिए आपको कहा जाता है रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग से ये चीजें डेवलप हो जाती हैं, एल्गोरिथम्स डेवलप हो जाते हैं बंदे के, होप स्पार्क्स क्रिएटिविटी एंड एंड हाँ रिस्क टेकिंग। एंड रिस्क टेकिंग फिर क्या करता है, ड्राइविंग न्यू आइडियाज, आइडियाज के साथ वेंचर्स भी कर लेते हैं, जिधर आइडियाज आते हैं उधर वेंचर्स भी आते हैं। अब देखो मैं किस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रख रहा हूँ और फिर वही डिजाइन में रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिपेंडेंट क्लॉज में सारी पार्टिसिपल वाली ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट डालती है आपकी जुबान को, जो पढ़ने में मजा आ रहा है ना, जो टेस्ट आ रहा है ग्रामर का, वो इसी चीज की वजह से। आप देखो आप अक्सर बहुत सारे लोगों के आउटलाइन पढ़ते हो, आपको मजा आता है, जब आप अपनी पढ़ते हो आप कहते हो यार मैंने इतनी अच्छी वोकैबुलरी यूज की है फिर भी मेरी जुबान को जायका नहीं आ रहा पढ़ने का। वो जायका दरअसल सेंटेंस स्ट्रक्चर का होता है, वो जायका वोकैबुलरी का नहीं होता, हम वो जायका जो है वो वोकैबुलरी में ढूंढने लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी जुबान को टेस्ट नहीं आता। अच्छा चलो वोकैबुलरी वाली बात में मैं ये बहुत सारी बातें करूंगा। एम्पावर लीडरशिप, दरअसल मुझे आपको बताने की इतनी जल्दी होता है, मैं कहता हूँ सारी बातें एक ही बात में बता दूं। एम्पावर लीडरशिप, अच्छा होप क्या करती है जी, होप करती है एम्पावर, किस चीज को एम्पावर जी, लीडरशिप को। ये सोचने का भी एक तरीका है कार है। ठीक है, होप क्या करती है जी, लीडरशिप को एम्पावर करती है और यू नो विजन इनकरेज करती है जी, इनकरेजिंग विजन, या हम करते हैं जी इनकरेजिंग विजनरी एक्शन। ठीक है, किस चीज के लिए जी, फॉर पॉजिटिव चेंज। ठीक है, अगर आप इसकी जगह कोई और अच्छी बात आपके माइंड में आए, ठीक है, स्काई इज द लिमिट, मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ गए थे जी कलेक्टिव लाइफ की तरफ, तो हम क्या जी, अभी ये जो मैं ये चीज लिख रहा हूँ ना इम्पैक्ट, इस पे इम्पैक्ट, इस पे मैं इस पे भी बात करने लगूँ, ये स्ट्रक्चर है, ये बात मैं स्ट्रक्चर में आपको समझाने लगूँ। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन कलेक्टिव एंड नेशनल लाइफ। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि भाई होप क्या करती है, होप यूनिटी लाती है। यूनिटी कैसे लाती है, देखो सवाल होते हैं हाउ व्हाई हू व्हेन, ये डब्ल्यू होते हैं पांच और दो तीन एच होते हैं। ठीक है, तो उस तरह सोचना होता है। अब ये यूनिटी कैसे लाती है जी, लोगों को करीब ला के, ब्रिंग पीपल टुगेदर। ठीक है, इस तरह ये यूनिटी लाती है। सो हम क्या कहेंगे, सोचने का तरीका कार आपको आना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को जिस वक्त सिखाता हूँ, मैं इस प्रोसेस के तहत सिखाता हूँ। देखो आप रटे मार के कभी भी हर टॉपिक को टेम्पिंग कर सकते हो। ओ ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, और फिर क्या होता है जी, फिर उससे पैदा होती है क्रिएटिंग, यहाँ पे लगा दूंगा कॉमा, क्रिएटिंग, ये देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्रिएटिंग यूनिटी, किस चीज के लिए, फॉर कलेक्टिव या शेयर्ड गोल्स। बात खत्म। दूसरा पॉइंट हमने क्या दिया, इकोनॉमी को बूस्ट करती है जी, होप बूस्ट्स इकोनॉमी, और साथ इनोवेशन भी कर दो, इनोवेशन से भी इकोनॉमी ही बढ़ती है। ठीक है, अभी जरा से सब्र करना, तो तीन बातें मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उससे क्या होता है जी, फिर उससे कॉन्फिडेंस, देखो अब जिस तरह स्पार्क यूज होता है क्रिएटिविटी के साथ, ये चीज यूज होती है चैलेंज के साथ, ये यूज होती है इकोनॉमी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ क्या चीज यूज होती है, कॉन्फिडेंस के साथ यूज होता है जी वर्ड, हाँ इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है जी, ठीक है, मुझे बताओ कोई मुश्किल चीज है। अब देखो जी आखिरी आ गया, क्या करती है, होप स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स। ठीक है,
कैसे जी? फॉस्टरिंग या इनकरेजिंग ट्रस्ट एंड सपोर्ट किसके दरमियान जी? अमंग कम्युनिटीज, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल से ऊपर आ गए थे, ठीक है। अब इस तरह हम और भी पॉइंट्स पैदा कर सकते थे, बट दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको, अब आ जाते हैं जी हम, कि हमें वोकैबुलरी का इशू होता है। देखो, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन चीज इसमें ये होती है, वोकैबुलरी वाली बात मैं अब आपको बताने लगूं। वोकैबुलरी में ना, वोकैबुलरी में पुत्र जी दो चीजें होती हैं, नंबर वन और नंबर टू। नंबर वन तो होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता है जी जार्गन्स के साथ खेलना, ठीक है। जार्गन्स के साथ खेलना। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या चीज होती है? देखो, अब आप देखो, जब मैं रेजिलियंस की बात कर रहा हूं, तो रेजिलियंस किसके खिलाफ आती है जी? जब इंसान में हौसला आता है, तो क्या अपने मुश्किलात से खेलने, मुश्किलात से निपटने के लिए हौसला आता है, ठीक है। और मुश्किलात से बंदा कैसे निपटता है जी? जब उसमें खुश उम्मीदी पैदा कर देती है वो, ठीक है। होप मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है? जब आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है और खुशी ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। ये चीज मैंने पहले लेक्चर में बड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ, तो मेरे माइंड में आता है जी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। जब मैं इनकी बात करता हूँ, मेरे माइंड में आता है जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब मैं इनकी बात करता हूँ, मेरे माइंड में आता है जी फॉसिल फ्यूल्स की बात करता हूँ, माइंड में आता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये सारी चीजें आपस में देखो इंटरकनेक्टेड है। क्लाइमेट चेंज की आप बात करते हो, आपके माइंड में आता है वेदर पैटर्न्स और फ्लड्स और क्लाइमेट इंड्यूस फायर्स और पेरिस एग्रीमेंट और यू नो COP। सो इस तरीके कार से एक तो आपको ये आइडियाज इस तरह जनरेट होते हैं। देखो, यहाँ पे आप खुद को सिग्नल्स दे देते हो, फिर उन सिग्नल्स, एक तो इन सिग्नल्स पे आप हु हाउ वाई लगा के आप ये चीजें पैदा कर देते हो, ठीक है। फिर इन सिग्नल्स को आप, इन सिग्नल्स पे ये जार्गन्स और एल्गोरिदम्स लगा के उन अपने जुमले को पूरा करने में आपको मदद मिल जाती है, ठीक है। अगर तो आपको ग्रामर ठीक तरीके कार से आती है। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ग्रामर का बड़ा जबरदस्त रोल है। आपको प्रैक्टिकल ग्रामर आनी चाहिए। वो जब आपको आ गई, तो एक तो आप एल्गोरिदम्स की मदद से आपकी वोकैबुलरी का इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर वर्ड्स हमारे माइंड में होते हैं, हमारी प्रैक्टिस ना होने के कारण, हमारी प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम उन वर्ड्स को अपने माइंड में ला नहीं सकते, ठीक है। इस टेक्निक से वो वर्ड्स, वो चीजें हमारे, वो आइडियाज हमारे माइंड में आने शुरू हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू चीज ये है, अब देखो मैं कैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। अब देखो, मुझे टॉपिक से पता चल गया कि होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। मेरा एग्जामिनर मुझे कह रहा है कि भाई होप के बारे में लिखो, कि होप किस तरह जो है वो ड्राइव करती है चीजों को, इंडिविजुअल की लाइफ में क्या चीजें वो पैदा करती है, बढ़ाती है, किस तरह जो है ना वैल्यू ऐड करती है इंडिविजुअल की लाइफ में और एक कम्युनिटी की लाइफ में कैसे ऐड करती है। सो देखो मैं कैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ। बिल्ड करती है, इम्प्रूव करती है, स्पार्क करती है, एम्पावर करती है, ब्रिंग्स, बूस्ट करती है, स्ट्रेंथन करती है। ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं अगर आप गौर करो, ठीक है। ये एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं अगर आप गौर करो तो। बात को समझ रहे हो मेरी? सो आप जिस वक्त, अब मेरे पास ऐसे इसकी फॉर एग्जांपल ये देखो 20 ही होगी, उसमें से मैंने कुछ उठाई है। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ बुक्स हैं, ढेर लगा हुआ है बुक्स का। मैंने आपको बताया पाकिस्तान में कोई ऐसी अच्छी बुक ऐसे पे नहीं लिखनी हुई, और इंटरनेशनली भी काफी पढ़ी है, बट पाकिस्तान में तो कोई लिखनी नहीं हुई जो मैंने पढ़ी ना हो। उससे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हर राइटर जो है, हर CSP जो है, हर बंदा जो ऐसे लिखता है, हर एसिस्ट जो है, हर राइटर जो है, अब मैं एक पूरी बुक पढ़ता हूँ ना जिस वक्त, ठीक है। अब फिर मैं एक अपनी बुक देखता हूँ, यहाँ पे मुझे अगर मिल जाए तो उस पर मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त एक सबक सिखा दूंगा। अगर वो बुक मुझे मिल जाए तो तब की बात है। वो बुक नहीं, सामने नहीं है। अच्छा चलो, वैसे ही बता देता हूँ। अच्छा, उसमें है ये कि हाँ ये है, देखो ये बहुत पुरानी हो गई है यार ये बुक, तो इसमें कुछ राय नहीं है। अब देखो, इस बुक को मैंने किस तरीके कार से पढ़ा हुआ, ठीक है। अब इस बुक को मेरे पढ़ने का तरीका देखो। अब ये इसमें मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, बात का मकसद ये है कि जब आप एक राइटर पढ़ते हो ना, उसकी बुक पढ़ते हो, उसकी 30-40 एसेस पढ़ते हो, ठीक है। आपने ये बात सुनी होगी कि कोई भी दो शख्स एक किताब कभी भी नहीं पढ़ते। इस बात का, इस कोट का मतलब ये है कि हर बंदा बुक से अपनी मर्जी की चीजें उठाता है, ठीक है। हर बंदा बुक को किसी और ही नजर से देखता है। अब मैं किस नजर से देखता हूँ? 30-40 एसे जिस वक्त एक राइटर ने लिखे हैं ना, मैं उस राइटर की सारी आउटलाइंस देखता हूँ। आउटलाइन में देखो इंट्रोडक्शन होता है, या एसेज में भी देखो इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, बॉडी में फिर आपको पता है नेक पार्ट होता है, मेन बॉडी होती है, और सजेशन वाला पार्ट होता है, और फिर कंक्लूजन होता है।
मैं जब एक राइटर को पढ़ता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि इंट्रोडक्शन में किस किस्म की वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं। आप यकीन करें 50 से 150 वर्ड्स की खास वोकैबुलरी होगी। सजेशन के लिए उसकी अपनी कोई 50 से 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी होगी। कंक्लूजन के लिए उसकी अपनी कोई 50 से 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी होगी। ठीक है, आउटलाइन बनाने के लिए, फ्रेजेस के लिए उसकी कोई अपनी वोकैबुलरी होगी, सेंटेंसेस के लिए अपनी वोकैबुलरी होगी। हर बंदे के पास तकरीबन 800,000 वर्ड्स की एक वोकैबुलरी। अब ये देखो, ये जो वर्ड्स हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी या क्लाइमेट, ये तो वोकैबुलरी ना कंसिडर करो ना, ये तो हर बंदे को पता है। ठीक है, अब ये देखो, ये इंप्रूव, ये बिल्ड, ये सादे सादे वर्ड है, ये तो हर बंदे को पता है। इसके अलावा 1,001 वर्ड उसने अपने लिए बस सिलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, हर राइटर ने, मैंने जिस राइटर को भी पढ़ा, मैं इस तरीके से उसकी बुक पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर राइटर के पास कुछ खास वोकैबुलरी है। इसी तरह मैंने भी अपनी एक वोकैबुलरी डिजाइन की हुई है खास वर्ड्स की, और यही तरीका मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ। सो आप जब किसी की किताब पढ़ो तो आप इस तरीके से अपनी वोकैबुलरी डिजाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी वोकैबुलरी इस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, मेरे कोर्सेज में भी मैंने अपनी वोकैबुलरी शेयर भी की हुई है। ठीक है, तो उस वोकैबुलरी को अब देखो, अगर आप सारी दुनिया की, आप डाउन से रोज 20-20 वर्ड यूज उठाते हो जी, याद करते हो, वो आप कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, वो डेड वोकैबुलरी। आपको जिंदा वोकैबुलरी की जरूरत होती है। ठीक है, अपने लिए जिंदा पहले 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी उठाओ। ठीक है, उठानी किस तरह, इस पर मैं फिर कभी एक लेक्चर बनाऊंगा। ये तरीका तो मैंने आपको देखो उठाने का बता दिया, सबसे बेहतर तरीका तो यह है इस तरीके से उठाओ, मगर इसमें भी 5-6 तरीके कार हैं, चीजें हैं उठाने की। तो अपनी वोकैबुलरी जब आप डिजाइन कर लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि यार बस इन 500-600 वर्ड्स के अंदर मैंने खेलना है, फिर आप बड़ा खुल के खेलोगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखो, मैं इस ही ऐसे को मैंने क्या लिखा, मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा मैंने इसका ये रख दिया, एक ये रख दिया। ठीक है, अब इस चीज से मैं थीसिस स्टेटमेंट भी बना सकता था, बट मैंने वो पिछले लेक्चर्स में बनाई हुई है, सो आपका टाइम आज मैंने उस चीज पर नहीं लिया। अब इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने के बजाय मैं सिर्फ एक ही हेडिंग बना देता कि हाउ होप इज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता। ठीक है, या फिर मैं लिख लेता हाउ होप इज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ठीक है जी, या आप में लिख लेता हाउ होप प्लेज इट्स पॉजिटिव रोल इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज लाइफ, या इन इंडिविजुअल एंड नेशनल लाइफ। ठीक है, तो उसके नीचे मैं ये सारी चीजें इकट्ठी लिख लेता। ठीक है, अब बात यह है कि ये नहीं है कि ये तरीका ठीक है या वो गलत, या वो ठीक है ये गलत। आप जैसा भी स्ट्रक्चर चूज करते हो आप कर सकते हो, मगर पते की बात ये है कि आपको थीसिस स्टेटमेंट फिर उस स्ट्रक्चर के लिहाज से डिजाइन करनी पड़ती है। गलती यहां पे आ जाती है, स्ट्रक्चर गलत या सही नहीं होता, एग्जामिनर देखता है कि आया आपने उस स्ट्रक्चर के मुताबिक थीसिस स्टेटमेंट भी दी हुई है कि नहीं दी हुई। अब वो पेपर के लिए, हमने अभी पेपर से वो उठाया था ना अपना क्वेश्चन, पेपर मिले ना उसमें मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर किस हिसाब से ये बात कर रहा है। हाँ, ये देखो, मेक आउट एंड मेक श्योर यूज डिफरेंट फॉर्म टू क्रेडिट विल बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंस और क्लैरिटी, रेलेवेंस क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके कार से आएंगे, जब आपकी थीसिस स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे, आपस में रेलेवेंट होंगे, वेल ऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, सो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, दूसरे तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, बट उसकी थीसिस स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह अकॉर्डिंगली होगी, वो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज वाला मैंने ऐसे लिखा हुआ है, वो आप जाके वो यूनियन सीएसएस के ये वाला ऐसे लिखा, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, उसमें आप देख लो कि थीसिस स्टेटमेंट को किस तरह मैंने स्ट्रक्चर के साथ सिंक्रोनाइज किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये देखते चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आते हैं। जब आप ये बना ली ना आपने एक दफा, अब आपने इसमें से जो स्ट्रक्चर भी, अगर चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस आपने बना लिए, इन ही से अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी और फिर उस ही से सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, इन ही चैलेंजेस से सोल्यूशन निकलेंगे, इन कॉजेस से इंपैक्ट्स निकलेंगे, उन ही से सोल्यूशन निकलेंगे, होप से हर्डल्स निकलेंगी, हर्डल से सोल्यूशन निकलेंगे, अचीवमेंट से फेलियर्स निकलेंगे, फेलियर से सोल्यूशन निकलेंगे। किस तरह निकलेंगे, पहले लेक्चर में मैंने तमाम चीज बिल्कुल इतनी वजाहत से एक्सप्लेन की कि मैंने उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ठीक है, सो बात करने का मकसद यह है कि ये वो तरीका है जिससे आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो और किसी भी टॉपिक को डील कर सकते हो। अगर आपको उसके बारे में कोई भी चीज माइंड में नहीं आ रही, आप जब इस तरीके कार से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आपके पास आइडियाज लाजमी आते हैं। इसमें एक मेरी गोल्डन टिप ये है पुत्र, ये काम किया करो, जितनी ज्यादा करोगे ना, तब आपको कहा जाता है, आपको हमेशा आप इंटरव्यू सुनो, आपको कहा जाता है यार ये काम करो, ये करो, ये करो, ये इसीलिए कहा जाता है, ये इधर आपको मदद देता है, मगर प्रैक्टिकली हमें समझाया नहीं जाता तो हम चीज की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं सकते। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैंने जस्टिफाई किया है अपने इन यू नो टारगेट्स को जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में अपने लिए सेट किए थे, इन गोल्स को मैंने अचीव किया है या नहीं किया। ठीक है, तो हमें याद रखिए, फी मान अल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।